नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके पास हर हफ्ते लाखों लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं, और ये कोई डॉक्टर या हकीम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपकी पूरी दर्शकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम महाराज जी, जब हम किसी संत की कल्पना अपने दिमाग में करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में, तो एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग संत देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है वो। लेकिन आप तो बिल्कुल युवा, यंग, अभी 4 जुलाई को आपको 26 वर्ष के आप हुए, आयु हुई है, तो ऐसे इतने जल्दी इतनी कम उम्र में इतना यश प्राप्त कर लिया आपने, ये सब कैसे संभव हो पाया? यश कीर्ति विषय अलग है, संतत्व अलग है। हम कोई संत नहीं है, ना कोई महंत है, ना कोई भगवान है, हम एक साधारण मानव हैं और अपने गुरु के शिष्य हैं। गुरु कृपा के कारण ही हमारे जन्म के ठीक 9 वर्ष बाद हमें गुरुदेव भगवान की शरणागति प्राप्त हुई। इसी गांव में हमारा जन्म हुआ, यही हमारे पूज्य दादा गुरु जी विराजमान रहते थे, जो एक सिद्ध महापुरुष और संत थे, उनको संत कहा है। उनके चरणों में रहकर के जीवन में जो भी उन्होंने हमें सेवा दी, मानव सेवा दी, साधना दी, उसके सुप्रभाव के कारण और सत्य संकल्प के कारण जितनी भी कोशिश रहती है, मदद बनती है, लोगों को सतमार्ग दिखाने का, रास्ते पे चलाने का कार्य कर रहे हैं चमत्कार और कृपा करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी पूज्य गुरुदेव हनुमान जी। अच्छा महाराज जी, वैसे तो आपके बारे में सब कुछ बहुत आजकल चर्चा में रहते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसे गुजरा, आपने क्या क्या, कहाँ के स्कूल में गए, क्या क्या पढ़ाई की? इसी गांव में हमारा जन्म हुआ, ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम में ही जी। और बचपन की प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक हमने यहीं की। इसके बाद में फिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गंज ग्राम है, वहाँ पर 12वीं तक की पूर्ण पढ़ाई भी की और BA भी की, जो प्राइवेट की, चूंकि रेगुलर नहीं जा पाए। उसी दौरान मध्यकाल में साधना, चूंकि स्कूल कम जाते थे, इसमें किंचित मात्र भी हम बताने में संकोच नहीं खाते हैं, बहुत कम जा पाते थे, परीक्षा आदि देते थे, पर ईश्वरीय ऐसी कृपा थी कि बालाजी की कृपा से आज तक फेल नहीं हुए, न जिंदगी की जंग में, न स्कूली पढ़ाई में। कहते हैं जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। अच्छा, कोई स्ट्रगल भी करना पड़ा आपको, क्योंकि अब तो सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके पास कितने लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर? स्ट्रगल जीवन में हर पल करना स्ट्रगल पड़ा कुछ? आपके आपके पिताजी आपके साथ रहते थे, आप जी क्या, क्या किस तरह का रिलेशनशिप था उनके साथ? जीवन में स्ट्रगल हमेशा है, आज भी है और कल भी था। देखने की दृष्टि बदल गई है, अंतर सिर्फ इतना हुआ है। हमारे पूज्य पिताजी कोई कार्य नहीं करते थे, न आज करते हैं, बस ब्राह्मण थे इस ग्राम के, पिताजी कुछ करते नहीं थे, अभाव में जीवन गुजरा, अब राम जी के प्रभाव में जीवन गुजर रहा है। अभाव और प्रभाव दोनों शब्द बड़े अद्भुत हैं। वो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी और तरह तरह की यातनाओं से जूझना पड़ा। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में, जो सबसे खास होता है। अच्छा महाराज जी, मतलब आपके पास मैंने देखा कि लोग आते हैं, अभी आप, मैं देख रहा था कि आप उनके लिए पर्चा लिखते हैं, तो ये कौन सी साइंस है, कैसे आपको समस्या के बारे में उनके पता चल जाता है? पहले विज्ञान की कसौटी पर इसे आप यूं कह सकते हैं कि दूसरे के मन की बात को जान लेना, पर अध्यात्म की यात्रा में इसको कृपा कहते हैं। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं चमत्कारों के चक्कर में ना पड़े, भगवत कृपा और गुरु कृपा के चक्कर में पड़े, लेकिन यह जो विधि है ये हमारे वंशानुगत परंपरा में है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी यही कार्य करते थे, वो भी दरबार लगाते थे, दूसरों के मनोभाव को पढ़ करके, मनोभाव के प्रश्न, अतीत काल, बीता हुआ, वर्तमान, आगे के संकेत। बाकी त्रिकालज्ञ तो सिर्फ श्री हनुमान जी है, बागेश्वर बालाजी है, लेकिन यह एक साधना है, एक गुरु कृपा है। तो भटके हुए लोगों को, हमारी दृष्टि से तो यह बात यह है कि कलयुग में भगवान से जोड़ने का एक ये माध्यम। अच्छा महाराज जी, मैंने आपके वीडियोस देखे, जब ये इंटरव्यू की मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे आपके और कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जिसमें मुझे दिखा कि आप कहते हैं कि सेनापति हाजिर हों, तो ये सेनापति कौन है या कि ये अदृश्य मंत्र शक्तियां हैं? हमारे प्राचीन काल से मंत्र, तंत्र, यंत्र, यंत्र यानी विज्ञान जी। और मंत्र यानी मंत्र मनोभाव से देवताओं की कृपा को प्राप्त करना, देवत्व को प्राप्त करना, तो आदि काल से अदृश्य सिद्धियां, अदृश्य साधनाएं, तो
वो एक पूज्य दादा गुरुजी की परंपरा से एक यह नियम है कि उस समय में बागेश्वर हनुमान जी की सेवा में जो सेवादार रहते हैं तो उनको ही सेनापति कहा जाता है। उस मंत्र के आधार पर उनको आप बुलावा करते हैं और जो अदृश्य शक्तियां किसी के शरीर पर एक्टिवेट होती हैं उसी मंत्र चिकित्सा के प्रभाव के कारण उसको डीएक्टिवेट करने का प्रयत्न करते हैं। और जो सेनापति बुलाते हैं तो ऐसा भाव रहता है कि श्री हनुमान जी के जितने गढ़ हैं, शंकर जी के जितने गढ़ हैं, वो तुरंत पधारें, तुरंत हाजिर हों, तुरंत आवें और इस रोगी को ठीक। एक ऐसा भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था महाराज जी, जिसमें आप एक व्यक्ति को दूर हटने को कह रहे थे कि दलित हूं मैं, हट जाइए, दलित हूं, दलित हूं। वो क्या मामला था? दूसरों को कभी नहीं कहा, स्वयं को कहा, लेकिन हम अपने बुंदेलखंडी मूड में रहते हैं, मजाकीय मूड जैसे कहते हैं, और जीवन में दलित सभी है, हरिजन सभी है। हरिजन का मतलब प्रभु के जन, हरि मतलब विष्णु। आपकी दृष्टि में कुछ और हो सकता है। आदिकाल में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था और हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते। आपके तो दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं। हाँ। आप तो लंदन होके आ गए। हाँ। मॉरिशियस में आपके फॉलोअर्स हैं, हर जगह आपकी कथाएं हो रही हैं। महाराज जी हमें ये बताइए कि इतनी यश आपको प्राप्त होने के बाद आपको कभी ऐसा लगा इनसिक्योर फील कि आपके इतने बाहर जा रहे हैं दुनिया में कि भाई कैसे मैं ये कर पाऊंगा, कैसे होगा ये? ना, गुरु कृपा है, हम तो कुछ करते ही नहीं, करने वाले श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु सन्यासी बाबा हैं, तो जो कर रहा वो चिंता करे। अच्छा, हम तो एंजॉय लाइफ, हम तो बड़ा आनंद लेते। बुलडोजर भी लेने वाले थे, एक बार आपने बोला कि हमें पैसा नहीं हो पाए, कुछ आप मदद करिए। मैं गुरु जी आपसे मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर क्या जब भी बुलडोजर की बात चली तो उस समय योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान जो है बुलडोजर चला रहे थे, लेकिन देखने में ऐसा मिला कि ये एक वर्ग के प्रति, एक कम्युनिटी, एक मुसलमान खासकर उनके प्रति ये चला। जैसे खरगोन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति जिसके हाथ ही नहीं थे उसको पत्थर मारने के आरोप में उसकी गुमटी तोड़ दी गई, बुलडोजर चल गया। तो गलत तरीके से लोगों ने इसको, आपके बयान को उसमें देखा। ये लोगों की दृष्टि है, हम सबको समझा नहीं सकते। हमने कभी किसी विशेष धर्म या विशेष समुदाय के ऊपर आरोप लगाने की बात नहीं की, हमने मानवता की बात की। हमने सिर्फ इतना कहा था कि भगवान हमारे राम बाप हैं और हमारे बाप पर जो पत्थर फेंके वो फिर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, छोड़ा ना जाए। हम भी बुलडोजर खरीदेंगे रक्षा के लिए और जरूरत पड़ने पर जब सरकार हाथ खड़े कर देगी तो कौन, आपसे ही हम पूछते हैं, आपकी बहन या आपकी बेटी की आबरू पर कोई हाथ रखे तो क्या आप चुप बैठेंगे? आपका क्या जवाब? नहीं बैठेंगे। बस वही हमारा जवाब, हमारी बहन बेटियां, हमारा समाज है, हमारा परिवार, इनकी आबरू पर कोई लव जिहाद या इस चक्कर में कुछ बोले तो हमें बोलना पड़ेगा। आत्मरक्षा के लिए हमें बुलडोजर का क्रेन रखनी पड़ेगी, हम रखेंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप भी खरीदिए। लव जिहाद से अब लव की तरफ आ जाते हैं। महाराज जी हमने आपके जब ये वीडियोज वगैरह देखे तो उसमें सुना कि आप जो है विवाह भी करने वाले हैं, शादी भी करने, लेकिन लव नहीं, लव नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, ऐसा उससे मत छोड़ देना। शादी गुरु आज्ञा लगी है, अभी बहुत समय है, आप शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हम आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे, होगी उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अब कब होगी, कैसे होगी, ये माता पिता और गुरु जी जाने। अभी गुरु आज्ञा लगी है, अभी हमारे गुरु की आज्ञा लगी। गुरु जी इसलिए मैं इसको साफ करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था आपकी शादी के बारे में तो यूट्यूब पे जैसे ही अगर आपका नाम डालो कि शादी हो रही है तो जया किशोरी जी एक संत है उनके साथ आपका फोटो सामने। गलत और मिथ्या है, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, हम तो कभी इस भाव में जिए ही नहीं और बहन की दृष्टि से हम देखते हैं। लोगों ने ये झूठ मूठ कर न जाने क्या क्या बना दिया है, ये बहुत इससे हम आक्रोशित भी हुए। हमने एक स्टिक वो भी निकलवाया था, स्टेटमेंट भी निकलवाया था कि हम कार्रवाई करवाएंगे। ये व्यू के चक्कर में जो छोटे मोटे यूट्यूबिया है ना, यूट्यूबिया उन्हें न्यूज वाला भी नहीं कह सकते, जो छोटे मोटे यूट्यूबिया हैं वो न्यूज के चक्कर में आजकल कुछ भी बना देते हैं। जब नाम होता है तो बदनाम तो पीछे जुड़ ही जाता है। अच्छा महाराज जी मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे आपने कहा कि आप शादी करने वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं, सबको मालूम है एलिजिबल हैं, तो आपके प्रति आकर्षित भी हैं लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला आपको बाबू कह रही थी, आपने टोका भी उनको, तो सुनने में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो मैं और गाना भी गाया उन्होंने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप दरबार में बैठते हैं तो आपके प्रति आकर्षित होती हैं महिलाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्या इस तरह का आपने देखा है कभी? हम इस पर कोई दृष्टि नहीं, हमारी ऐसी कोई दृष्टि नहीं। हम कई बार माता जी और बहन जी सबको बोलते हैं तो हम ऐसी दृष्टि में तो आज तक नहीं देख पाए, आपके पास ऐसी कोई नजर हो तो हमें बताओ। नहीं, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप तो यंग हैं, हमारे हिंदू धर्म के कुछ बाबा लोग जो है जेल में हैं। कुछ वो बाबा हैं ही नहीं, संत वो हैं ही नहीं है, वो तो
दूसरे प्रकार के हैं। जो संत होता है वो जेल में नहीं होता है, वो तो मौज में होता है, साधु तो मौज में होता है। तो हमें लग रहा है कि वो साधु नहीं है। और रही इस दृष्टि की बात, तो संसार की अपनी दृष्टि है, हमारी दृष्टि अलग है। महाराज जी, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी आज तक के आपकी टीम को साधुवाद, आपको भी साधुवाद। और जय श्या राम, जय बागेश्वर धाम, जो राम का नहीं उनकी ठटरी भरे।